अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कुमेर शाह साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरे पास इतने सवाल थे आपके लिए कि अगर मैं कमरा देख के बिल्कुल वाव हो चुकी हूँ। व्हाट एन अमेजिंग रूम। मुझे जरा प्लीज बताएं, आर ऑल दीज एनिमल्स रियल? या दे आर, दे आर एंड दे ऑल आर यू नो हंटेड और वेरी, बहुत ज्यादा मुश्किल से, बड़ी मेहनत से मारे गए सारे। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि मेरे शाह साहब ऑब्वियसली आप पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, आप इलेक्शन के भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द शिकार, कितनी देर लगती है शिकार करने में, एंड व्हाट वाज योर फेवरेट एनिमल का शिकार करना? डिपेंड ऑन आपके एनिमल पे है, और ये कलेक्टिवली मैं सारा क्रेडिट तो नहीं लूंगा कि ये इसमें से कुछ जो है, मेरे जो सबसे जो बड़ा हंटर है हमारी फैमिली में वो मेरा बड़ा भाई है एक्चुअली, एंड वो बहुत ज़्यादा बड़े हंटर हैं। हाँ। तो उन्होंने कुछ मारे हैं, कुछ वालिद साहब के हैं, कुछ एक बैरिस्टर भाई साहब हैं उनके हैं। वालिद साहब आपके हैं, नासिर हुसैन शाह साहब, मुझे पता है अभी तक शिकार करते हैं? अब बहुत कम करते हैं एक्चुअली, उनके पास टाइम नहीं है तो बहुत ज़्यादा कम, मैंने भी बहुत कम कर दिया है। अच्छा। और तो लेकिन हम सब भाइयों का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा जो है वो बड़े भाई का। अच्छा, तो ये बताएं कि कभी कोई जेलिसी हुई कि बड़े भाई का सबसे बड़ा शिकार मिल गया और मेरा मुझे इस दिन नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो हमें सिखाता भी बहुत था, और कभी अगर मिस भी शॉट होता था या वो बड़े हैं जब अगर हम ज्यादा मार लेते हैं तो वो हमारे स्कोर से अपना स्कोर बढ़वा देता था। ऑफ कोर्स, ऐसे तो होना ही होना है, राइट? अब क्या कहें, बट नो, लवली रूम। थोड़ा सा यहाँ पे एक दो मिनट रहते कि आई वांट टू सी द रेस्ट ऑफ योर हाउस आल्सो। आप इलेक्शन के लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, दूसरी दफा लड़ रहे हैं इलेक्शन, जी। हाउ डज इट फील? यू नो, वी केम फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एंड हमें इलेक्शन शुरू से लेके आवाम की खिदमत करने में एक बड़ा ही हमारी फैमिली का रोल रहा है, और आई थिंक पाकिस्तान बनने से पहले एंड पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, हार्डली एक दो अगर कोई फैमिली ने मिस किया होगा तो हो गया होगा, लेकिन तकरीबन सारे इलेक्शन लड़े हैं, कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं, तो लड़ते आवाम की खिदमत जो है वो सबसे बड़ा जो हदफ है वो आवाम की खिदमत है हमारे लिए। लेकिन क्या फरवरी में इलेक्शंस होंगे? बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल होंगे। आपको इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने में सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या लग रही है? आई थिंक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो खुद हैं, और उन्होंने आज कल आपने देखा उन्होंने अपना मैनोफेस्टो भी दे दिया फॉर द पाकिस्तान, फॉर द यू नो नया, नई चीज़ें मुतारफ की हैं उन्होंने। तो इसमें ये एक बड़ा अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है, और बेहतर, क्योंकि इससे जो हमारा मुल्क पिछले दौर में पीछे गया है, इससे ज़्यादा पीछे अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी नहीं जाएगा और ना जाना चाहिए। तो ये हम सब में एक बड़ा इस बार एंथुसिएज्म है कि मुल्क के लिए सब ने काम करना है, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। एक और, आई थिंक आपका ऑफिस का कमरा है, जी जी प्लीज प्लीज। अच्छा ये बताएं, व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट द पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी जी, इट्स ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और अलैकुम सलाम, प्लीज बैठ। तो ये जो है ओनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक जमहूरी पार्टी है जिसमें आप देखें कि काउंसलर के लेवल के लोग आज लीडर्स हैं और वो मिनिस्टर्स बनते हैं, और यूनियन चेयरमैन के लोग जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट बनते हैं। तो एक बड़ा तवील प्रोसेस है, और इस पार्टी में आपको क्लस्टर है, सब नज़र आते हैं आपको। इसमें आम वर्कर नज़र आएगा, इसमें लेबर नज़र आएंगे, इसमें माइनॉरिटी की, आप देखें सेनेट्स में हमारी माइनॉरिटी के लोग बैठे होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर आप देखें, हमने अगर हमारे चेयरमैन मौजूद थे एंड कोच है तब भी हमने अपनी पार्टी के जो दूसरे लीडर आने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो आई थिंक दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान जिसमें इस तरह होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में तनकीद बड़ी की जाती है कि आपको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, आई मीन कराची की रोडें ही देख लें, साथ साथ सिंध में कुछ ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती। व्हाई डू यू थिंक, डू यू थिंक दैट्स फेयर? नो, दैट्स नॉट फेयर एक्चुअली, एंड आई थिंक यू नो द मीडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड दे कैन शो द रियल सिंध। आई थिंक देयर आर, जैसे CNN में हम कहते हैं कि देयर आर टू पाकिस्तान, one CNN shows and one the real Pakistan is. Achcha. So the same, there are two Sindhs, one the media shows and the one the real Sindh is. Interesting. Gee, so that's why the people of Sindh always supporting us, always voted for the party, and this is the third time, and inshallah and on 8th Feb that will be the fourth time Pakistan People's Party सिंध में दोबारा गवर्नमेंट बड़ी बाहरी अक्सीडेंट से बनाएगी। अच्छा, साथ साथ वैसे आपने काम किया है सिंध में सखर के करीबी रोड़ी के पास,
फेरी सर्विस एंड ऑल्सो फ्री वाईफाई. ये वैसे न्यू एज सिचुएशन है. व्हाई डू यू थिंक दैट वाज नेसेसरी? यू नो, आई वांट टू मेक वाईफाई फ्री ज़ोन्स इन आवर सिटी. सखर, रोड़ी, पनवाकिल, हॉस्पिटल्स, ग्राउंड, ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जहाँ पे वाईफाई फ्री सर्विसेज नहीं आ पा रही, उनके एजुकेशन के मसले हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, दे कैन यूज़ इट, द गवर्नमेंट शुड पे इट. सो अभी जो हमने किया है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, इट्स LCA सिंध के नाम से. वो उसको जो है वो कर रही है सारा जो फंड्स वगैरह है उसकी, जो वाईफाई फी सर्विस है. लेकिन उसके बाद हम MOU जो है वो लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ, मेयर्स के साथ, चेयरमैन के साथ, उनके साथ उसका MOU दस्तखत करेंगे. वेरी नाइस. आई एम गोइंग टू आस्क एक सवाल ऑल्सो अबाउट द काम जॉब करें, लेकिन आपके पीछे भी 5 तस्वीरें हैं. फेवरेट इसमें कौन है आपका? पांचों तस्वीरों में से पांचों फेवरेट है. नो, बड़ा सख्त सवाल है. पांचों फेवरेट तो नहीं हो सकते ना. आई हैव टू पिक वन. चलिए टू. I think all are the favorite because they all pictures in my room, so all are favorite. Ah, that's a very good answer. Well said. अच्छा ये बताएं कि जो PTI के candidates के साथ हो रहा है, they being jailed, not allowed to run elections, आपके ख्याल में क्या ये सही है? आई थिंक जो 9th मई में इन्वॉल्व हैं उनको अपने केसेस का करना चाहिए, उनको कोर्ट आना चाहिए. और जो खामखा सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो गलत है. इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है, हर पार्टी को आना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, और ये जमहूरी हमारा हक है. लेकिन जो 9th मई को हुआ वो भी उनको केसेस फेस करने चाहिए. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये ना होता अगर टाइम से चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ थे वो कोर्ट आ जाते, ये ड्रामा ना करते, तो ये कभी भी ना होता. ठीक. अच्छा, आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, लेकिन आपका गार्डन भी मैं देखते देखते आई हूँ, अगर हम वहाँ चलें. जी बिल्कुल प्लीज. अच्छा ये बताएं कि वैसे पंजाब से जो लोग आते हैं वो यही कहेंगे ना कि जी हमारा मोटरवे आपके मोटरवे से बेहतर है, क्योंकि बनाई पंजाब ने था. ये तो सही बात है. हैदराबाद टू सखर मोटरवे कब बनाएगी पीपल्स पार्टी? हाँ, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो ये मोटरवे आप देखेंगे, ये हैदराबाद कराची, सखर हैदराबाद, सखर कराची आपको नजर आएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. बिलावल भुट्टो ये भी कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, डबल की जाएंगी, ये आपको लगता हो सकता? देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने जो वादा किया है वो जो बातें की हैं वो बगैर विदाउट होमवर्क है नहीं. अच्छा. वो ये नहीं कि मैं लाख दरख्त लगा दूंगा, 1 करोड़ जॉब्स दे दूंगा, उसका प्रॉपर होमवर्क हुआ हुआ है. और वो होमवर्क इस तरह के उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 17 डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री के वो मैं बंद कर दूंगा, और उसमें से महाना में भी आई थिंक 300 करोड़ और 200 करोड़ जो हैं वो सेफ होंगे. तो उस पर जो बेहतरी होगी, मैं किसान कार्ड दूंगा, हेल्थ कार्ड दूंगा, यूथ कार्ड दूंगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पास. राइट. तो जी ये सारी चीज़ें. अगर आप पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ बदल सकते तो क्या बदलते? आई थिंक मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी में कोई चीज़ें बदल सकती हैं, मजीद बेहतर की जा सकती हैं. ठीक. या क्या होता वो मजीद बेहतर? मजीद बेहतर, यू नो, मोर कीन ऑब्जर्वेशन ऑन द अदर प्रोविंसेस आल्सो, बिकॉज चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बहुत ज़्यादा डिमांड है पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, बलूचिस्तान में, KPK में, और उधर ज़्यादा टाइम दिया जाए तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतरी है. इंटरेस्टिंग. अच्छा, रैपिड फायर राउंड है हमारा, बट आपको एक पिक करना पड़ेगा. ओहो, मुश्किल है. हाँ, ओके. स्टार्ट विद ईजी सवाल. नवाज शरीफ या इमरान खान? आई थिंक नवाज शरीफ. जरदारी या बिलावल? जरदारी साहब का भी बिलावल ही होगा तो मेरा भी बिलावल है. देखिए बड़ा आपने अच्छा वैसा जवाब दिया. आई हैव टू से बिरयानी या पुलाव? पुलाव. ये क्या बात हुई, कराची वाले ने पुलाव पिक कर लिया? मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी. ये बिरयानी बचपन से खा रहे थे, अब कुछ पुलाव पुलाव चेंज होना चाहिए. फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद? फहद इज माय फ्रेंड, सो फहद मुस्तफा. ओह इंटरेस्टिंग. महवेश हयात या सबा कमर? आई थिंक दोनों ही तकरीबन एक जैसी है, तो आई थिंक महवेश हयात थोड़ी फेमस ज्यादा है. कैट्स या डॉग्स? दोनों नहीं, लायन. ठीक है. अच्छा ये बताएं, आपकी और आपकी फादर जो नासिर हुसैन शाह साहब, ऑब्वियसली वेल नोन पॉलिटिशियन हैं सिंध के, आपकी रिलेशनशिप कैसी है? आई थिंक बेस्ट है. ही इज़ आई थिंक बेस्ट फादर, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, एक बहुत बेहतरीन इंसान है जो हम जानते हैं. फ्रेंडली भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा डर भी उनसे लगता है. ओ, मैं यही पूछने वाली थी कि अच्छा
तो डर भी लगता होगा बचपन में का, डांट पिटी या नहीं? नहीं, कभी उन्होंने नहीं डांटा, कभी नहीं मारा, कभी भी नहीं किया। तो फिर डर क्यों? बस ये उनका एक यू नो उनका तरीका है, रवैया है, तो आई थिंक ही इज द बेस्ट। एंड डू यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन लाइक योर फादर? या बिट मिक्सचर ऑफ माय सम ऑफ अंकल्स आल्सो, बट यू नो आई लाइक टू लाइक द पीपल लव माय फादर द सेम वे, बट थोड़ी बहुत मैं चाहता हूं कि चेंज भी होने चाहिए। चेंज भी होना चाहिए, वेरी नाइस। आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन। आप अगर इलेक्शन जीतते हैं, आप पहली चीज क्या करेंगे? हमारे इलाके में या ओवरऑल आप बात कर रहे हैं? आपकी दोनों चले। अच्छा, आई थिंक मेरा ये कि हम इंडस्ट्री जोन बनाएं हमारे इलाके में भी एंड ओवरऑल सिंध में। मेरा ये प्रोसेस होगा कि इंडस्ट्री जोन से दो तीन चीज़ें, एक तो आपके जो शहर हैं, जो शहरों के करीब छोटे टाउन्स हैं, वो अच्छे हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे, एंड सबसे बड़ा मसला जॉब क्रिएशन, तो वहाँ पे लोकल जॉब क्रिएट बहुत होगी। चलें डन, थैंक यू सो मच कुमार साहब, दिस वाज सच अ नाइस इंटरव्यू, सच अ प्लेजर टू मीट यू, प्लेजर इज ऑल माइन, एंड बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।